तो बच्चों, हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले जो है कुछ गतिविधियां भी की हैं और तंत्रिका कोशिका की संरचना, उसके कार्यों की बात की। फिर हमने बात की कि जो अंग हैं, संवेदी अंग हैं, किस तरीके से सेंसेशन वहां पहुंचता है और तंत्रिकाओं के द्वारा ब्रेन तक पहुंचता है, और फिर वापस जो है वो संवेदी अंग कैसे काम करते हैं उसकी बात की थी। अब जो भी हम तंत्रिका कोशिका के कार्यों को हमने देखा या उसकी संरचना को देखा या हमने क्रियाकलाप को देखा, तो हमने देखा कि उसमें दो अंग जो हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक अंग जो है ब्रेन यानी मस्तिष्क। आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर का वो मुख्य अंग है जो कि हमारे शरीर का संचालक है यानी नियंत्रण करता है। और दूसरा अंग जो है स्पाइनल कॉर्ड है यानी मेरुरज्जु है। तो हम तंत्रिका कोशिका की संरचना के बाद अब हम स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क की संरचना और उसका कार्य कैसा है उसकी बात करते हैं। तो ब्रेन की स्ट्रक्चर की बात हम बाद में करेंगे, इससे पहले हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। तो जैसे आप चित्र में देख रहे हो कि ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ब्रेन के नीचे एक छिद्र होता है, फोरामेन मैग्नम। आप इसको यहाँ से भी महसूस कर सकते हो, आपका ये जो स्कल है इसके नीचे में आप देखते हो ये छिद्र या होल है, यहाँ इसको हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं। और इस फोरामेन मैग्नम से जो है स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है, और स्पाइनल कॉर्ड वहाँ से शुरू होकर आप देख रहे हो पूरी रीढ़ की हड्डी के अंदर से गुजरता है और नीचे कमर तक जो है इसका एंडिंग पॉइंट होता है। तो ये रीढ़ की हड्डी से बीच से गुजरता है और ये तंत्रिका कोशिकाओं से ही बना होता है। और इसकी यदि हम बात करते हैं वृद्धि की, तो 4 से 5 वर्ष के बाद इसकी वृद्धि है यानी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। हम कभी ऐसा ना सोचें कि आखिरी सांस तक या लास्ट स्टेज ऑफ एज की जो है वहाँ तक इसकी वृद्धि होती रहती है। ब्रेन की भी हम बात करेंगे कि उसका जो डेवलपमेंट है कब पूरा हो जाता है और क्या इम्पोर्टेंस है उस समय। यदि बच्चा जो है अच्छे से एक्टिविटीज़ करता है, अच्छे से ब्रेन का यूज़ करता है, तो वो फ़र्क पड़ता है आगे के लाइफ के लिए। तो स्पाइनल कॉर्ड कि जो ग्रोथ है वो 4 से 5 वर्ष के बाद रुक जाती है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ग्रीवा यानी गर्दन वाले हिस्से में और कमर वाले हिस्से में जो है ये मोटी परत होती है, और नीचे जो है ये उसके बाद ये पतले सूत्र यानी फाइलम टर्मिनल में जाकर ये समाप्त हो जाता है। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है आप जानते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट अंग है, तो इसकी सुरक्षा कैसे होगी। जैसे हमने और भी अंगों की बात की है, तो सारे अंग जो हैं किसी न किसी आवरण में सुरक्षित रहते हैं। तो ये जो है इसको सुरक्षा देने वाले 3 आवरण होते हैं। अगर बाहर से भीतर की ओर जाएं तो आप देख रहे हो बाहरी से अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो पहली परत ड्यूरामेटर की है, फिर आप देख रहे हो अरकनाइड है, और फिर आप देख रहे हो पायामेटर है। अब चूंकि स्पाइनल कॉर्ड तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है, तो ये सेल्स के जो यानी इन कोशिकाओं के माइलिनेटेड शीथ के एग्जॉन जो हैं रीढ़ की हड्डी के बीच बीच भागों से ये निकलकर शरीर के पूरे हिस्सों में ये फैले रहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं बीच बीच से ये स्पाइनल नर्व्स या न्यूरॉन्स निकली रहती हैं, ताकि हर एक अंग में ये सेंसेशन लेने और देने का जो है काम जो है इनके जरिए ही होता है। आगे और प्रक्रिया में हम देखेंगे इसको। तो अब ये जो आप न्यूरॉन्स देख रहे हैं, तो 31 pairs ये न्यूरॉन्स होते हैं। अब स्टार्टिंग से देखिए, ऊपर में देख रहे हो ग्रीवा वाले हिस्से में सर्वाइकल है 9 pairs, फिर आप देख रहे हो 12 pairs थोरसिक रीजन में है यानी वक्ष स्थल पर हैं, फिर आप देख रहे हो 5 pairs लंबर ये सारे वर्टिब्रा के साथ साथ चल रहे हैं। आप रीढ़ की हड्डी भी आप देखे होंगे कि ऊपर में थोरसिक रीजन सर्वाइकल रीजन होता है, फिर थोरसिक रीजन होता है, फिर लंबर होता है, फिर सैक्रल होता है। तो यहाँ भी जो न्यूरॉन्स निकल रही हैं वो उसी के नाम के आधार पर ही है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। और फिर आप देख रहे हो 5 pairs सैक्रल है,
तो इस तरीके से ये न्यूरॉन्स हैं जो विभिन्न हिस्सों में फैली रहती हैं। और आगे आगे यदि हम इसके कार्य की बात करते हैं तो प्रतिवर्ती क्रिया का ये मुख्य केंद्र है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, ये कैसे संपन्न होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। और दूसरी बात जो है, तंत्रिका और कोशिकाओं के बीच ये कनेक्टिंग लिंक होता है, कनेक्टिंग कॉर्ड की भांति ये काम करता है। अब ये कैसे कनेक्टिंग कॉर्ड की भांति काम करेगा? अब जैसे देखिए, कोई सेंसेशन, कोई संवेदना, या कहना चाहिए कोई उद्दीपन हम महसूस कर रहे हैं, तो इन तंत्रिका कोशिकाओं के जरिए ही पहले कहाँ जा रहा है? स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है, क्योंकि इन तंत्रिकाओं का कनेक्शन पहले कहाँ पर है? स्पाइनल कॉर्ड में है। स्पाइनल कॉर्ड से आगे जो है ये ब्रेन तक जाता है, तो इसलिए ये दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है। और हम ये देखें कि यदि कोई परिस्थिति ऐसी हो जाती है, कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि कोई एक्सीडेंट में पीठ का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, तो क्या होता है कि वो नीचे वाला हिस्सा जो है वो असंवेदी हो जाता है, यानी पैर और पेट पेट वाला हिस्सा जो है, पैर और पेट वाला हिस्सा जो है वो असंवेदी हो जाता है। अब ऐसा व्यक्ति तो अपनी इच्छा से ये अपने पैरों को वो हिला नहीं सकता है, लेकिन यदि हम उनके पैरों में यदि गुदगुदी करते हैं तो वो हिल जाता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है, क्योंकि अभी हमने बात की ना कि कनेक्शन ले जाने वाला जो है स्पाइनल कॉर्ड है। न्यूरॉन्स तो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि वो हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, और यदि वो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचती तो वो मैसेज कहाँ जाता? ब्रेन तक जाता, और ब्रेन से फिर वापस आता। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, बीच का कनेक्टिंग लिंक जो है वो टूट गया या क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण जो है वो व्यक्ति अपनी इच्छा से वो पैरों को हिला नहीं सकता है। तो लेकिन वो गुदगुदी होने पर क्यों पैर हटा दिया? क्योंकि वहां कनेक्शन, मतलब जहां से वो मैसेज गया वहां से ही वापस आ गया, वहां पर क्रिया हो गई, लेकिन इसका पता जो है ब्रेन तक नहीं पहुंचा, या वो मैसेज ब्रेन तक नहीं गया। तो अभी जो हमने बात की कि किसी का कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है तब उसे पता नहीं चलता, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है कि हमारे शरीर में कई ऐसी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं जिसका हमें पता नहीं चलता है। तो जैसे कुछ प्रक्रियाएं हैं, रक्त नलिकाओं में विभिन्न पदार्थों का आवागमन होता है, अमाशय में पाचक रसों का श्रवण होता है, या अमाशय में पाचन रस की जो प्रक्रिया होती है, या फिर गर्म चीज में यदि हाथ हमारा लग जाता है तो वहां से हमारा हाथ हट जाता है। तो ऐसी कुछ क्रियाएं हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती हैं, तो उनका कंट्रोल जो है वो स्पाइनल कॉर्ड करता है। इसको हम लोग आगे देखेंगे ही, और इसकी सूचना जो है जरूर ब्रेन तक पहुंचती है। तो ये हमने स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात की। अब हम बात करते हैं मुख्य अंग ब्रेन की, यानी मस्तिष्क की, और फिर इसका रोल या उसकी भूमिका क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि जितने भी जीव हम इस संसार में देखते हैं उन सब में जो जिसमें सबसे उच्च स्तर पर प्राणी जो है वो मनुष्य है, सबसे बुद्धिजीवी प्राणी है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो सबसे ज़्यादा विकसित होता है, और जितने भी हम जीवों को देखते हैं तो उससे ज़्यादा जो बुद्धिजीवी प्राणी जिसको कहते हैं वो मनुष्य ही होता है। और ये जो ब्रेन होता है मनुष्य का, वो बहुत ही विशेषीकृत होता है, स्पेशलाइज्ड होता है, और बहुत सुरक्षित अंग होता है। अब इसकी सुरक्षा जो है वो कैसे होती है? आप जानते हैं कि हमारे ये जो खोपड़ी है कई हड्डियों से मिलकर बनी होती है, और इन हड्डियों के बीच जो है ब्रेन जो है वो बहुत अत्यंत कोमल अंग रहता है, और ये सुरक्षित रहता है। और इसका वजन की हम बात करते हैं तो ये लगभग 1500 ग्राम होता है इसका वजन। और हम ये सभी जानते हैं कि सारे शरीर और तंत्रिका तंत्र का ये नियंत्रण कक्ष होता है, कंट्रोलर होता है। अब हम इसके संरचना की बात करते हैं तो देखा जाए तो 3 हिस्सों में बटा रहता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो इन तीनों हिस्सों में जो है अलग अलग कार्य होते हैं।
ऐसे तो 10th लेवल पर यही आता है कि ब्रेन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आप लिखिए, तो जरूरी नहीं है कि हम उनके अलग अलग हिस्सों का अलग अलग कार्यों का वर्णन करें, तो हम सिंपली एक पैराग्राफ के रूप में भी या पॉइंट्स बनाकर भी हम इसके कार्यों को लिख सकते हैं। अभी जैसे हम कुछ हिस्सों को देख रहे हैं, ये हमारे समझने की बात रहती है कि अग्र जो मस्तिष्क होता है उसमें कौन कौन सा कार्य होता है। ये चेतना और इच्छा शक्ति का केंद्र होता है, यानी याददाश्त कह लें, बुद्धि और निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो इस हिस्से में होती है, यानी अग्र मस्तिष्क में। फिर हम देख रहे हैं कि सोचने समझने का केंद्र भी यही होता है, और तर्क शक्ति, आप जानते हो कि रीजनिंग पावर जो है वो भी हमारे अग्र मस्तिष्क से ही उसका कार्य होता है। विचार करने की क्षमता जो है वो भी इसी हिस्से से होती है। एक और हिस्से की हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं डायनसेफेलॉन। यहाँ से जो है ताप, आप कभी गर्मी महसूस करते हैं, कभी ठंड महसूस करते हैं, दर्द का एहसास है, पीड़ा है, भय है, तो ये सारा जो एहसास होता है, जो महसूस होता है, उसका केंद्र जो है वो डायनसेफेलॉन है। फिर हम देख रहे हैं अग्रभाग से और भी सुनने, देखने और सूंघने की जो प्रक्रिया है वहीं से संचालित होती है। फिर एक और हाइपोथैलेमस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें भूख और प्यास का केंद्र है, और एहसास जो हमें जो भूख और प्यास का जो महसूस होती है वो हाइपोथैलेमस के कारण ही होती है। इसका मेडुला वाला भाग जो है वो पाचन, श्वसन और हार्ट बीट के का कंट्रोल करता है। इसके साथ ही खांसने, वॉमिटिंग जैसी प्रोसेस या पाचक रसों का स्रवण जैसी प्रतिवर्ती क्रियाओं का ये केंद्र होता है या नियंत्रक होता है। तो इस तरह से जो है हमने देखा कि ब्रेन का स्ट्रक्चर में यदि हम बात करते हैं तो ये तीन हिस्से हैं, क्योंकि 10th लेवल पे है तो बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है। इसका डायग्राम हम बना सकते हैं और फिर इसके हिस्सों को लिखकर हम इसके कार्यों का जो है विवरण हम दे सकते हैं। तो आप सिंपली हर एक लाइन, हर एक कार्य को आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि हम अलग अलग हिस्सों के अलग अलग कार्यों को बताएं। अब हमने देखा कि ब्रेन जो है वो ही नियंत्रण करता है, यानी कंट्रोलर होता है। तो कई बार होता है स्पाइनल कॉर्ड जो जिसमें हमने देखा कि अनैच्छिक क्रियाओं का वो केंद्र होता है, तो उस पर भी वो कंट्रोल जो है ब्रेन करता है। जैसे कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे जब आप चलते हैं तो आपके हाथ और कदम जो है एक विशेष तारतम्य बनाकर चलते हैं, और इस पर जो कंट्रोल होता है वो ब्रेन का ही होता है। अगर एक और एग्जांपल की बात करें, हम मार्च पास्ट देखते हैं, 26 जनवरी या 15 अगस्त में आपने देखा होगा स्कूल कॉलेज में अक्सर जो है एनसीसी कैडेट्स के द्वारा, या आपने टीवी पर देखा होगा लाल किले में, या स्वयं आपने वहाँ जाकर भी देखा होगा कि मार्च पास्ट होता है, और कितना सुंदर तरीके से हाथ पैरों का तालमेल होता है। तो जब आप ये मार्च पास्ट सीखते हैं तब तब पहले जो आपका क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो सीख रहे हैं तो वहाँ पर आपकी ऐच्छिक क्रिया हो रही है, यानी आप ब्रेन यानी सतर्क होकर मस्तिष्क का उपयोग करके आप वो कार्य को सीख रहे हैं। लेकिन जब आप ये चीज़ सीख जाते हैं तब आप जानते हैं कि थोड़ी देर तो आपने ध्यान देकर वो कदम ताल मिला लिया, लेकिन उसके बाद आप जो है यूज टू हो जाते हैं, या कहना चाहिए कि आप वो गति जो है, वो क्रिया जो है अनैच्छिक हो जाती है। तो पहले तो हमने ऐच्छिक क्रिया थी वो, यानी इच्छा से सीखा, लेकिन बाद में वो अनैच्छिक क्रिया में बदल जाता है। यानी ऐच्छिक क्रिया क्या होगी, मस्तिष्क की तरह संचालित होगी, और बाद में जब हम ये सीख गए हैं तो वो अनैच्छिक क्रिया यानी कि फिर वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा संचालित होती है। इसी तरह से आपने कई महिलाओं को स्वेटर बुनते हुए देखा होगा, तो पहले जब हम सीखते हैं तो एक एक चीज सीखते हैं कि कैसे उसको बनाना है, उसकी डिज़ाइन कैसे बनानी है, लेकिन जब हम सीख लेते हैं, यानी उस चीज़ को हमने ब्रेन में यानी सेटअप हो गया, सीख लिया, तो उसके बाद वो जो इच्छा है वो अनैच्छिक में बदल जाता है। आप देखते हो फिर वो बातें करते हुए, इधर उधर देखते हुए भी वो स्वेटर बुन रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, पहले तो ऐच्छिक था लेकिन वो अनैच्छिक में बदल गया। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जिस पर जो है वो ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है, उसका रोल क्या है।
तो जैसे अनैच्छिक क्रियाएं, सारी अनैच्छिक क्रियाएं जो हैं स्पाइनल कॉर्ड द्वारा संचालित नहीं होती हैं, कुछ क्रियाएं जो हैं वो ब्रेन के द्वारा भी संचालित होती हैं। जैसे तेज रोशनी पर हम जाते हैं तो आंखों की पुतलियां जो है सिकुड़ जाती हैं, ताकि लाइट जो है बिल्कुल प्रॉपर क्वांटिटी में एंटर हो, यानी बहुत कम मात्रा में वो एंटर होती है। तो ये अनैच्छिक क्रिया ही है, लेकिन ये किसके कंट्रोल में है? ब्रेन के कंट्रोल में है। अब हम देखते हैं कि ऊपरी भाग यानी ब्रेन का जो अपर पार्ट है, यदि ठीक ढंग से काम कर रहा होता है तो ऐसे कुछ उसके रोल होते हैं जैसे कि वह उन क्रियाओं को रोक सकता है जिन्हें नीचे वाला भाग जो है ठीक ढंग से नहीं कर रहा है। यानी ब्रेन को लग रहा है कि नीचे वाला भाग या स्पाइनल कॉर्ड काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो वो उस क्रिया को रोक देगा और फिर वह उन्हें नियंत्रित ढंग से चलाता है। ये इम्पॉर्टेंट बात है कि यदि काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा है तो ब्रेन क्या करता है, वो अपने पाले में ले लेता है, अपने नियंत्रण में ले लेता है और उसको फिर वो ठीक ढंग से चलाता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड के नियंत्रण के बिना ही वो सीधे मसल्स की क्रियाओं को संचालित कर सकता है। तो जैसे हमने देखा था कि स्पाइनल कॉर्ड जो है कुछ अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रक होता है, लेकिन ब्रेन को लग रहा है कि नहीं ये काम ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो वो अपने नियंत्रण में ले लेता है। तो स्पाइनल कॉर्ड की नियंत्रण के बिना ही सीधे मसल्स की क्रियाओं को वो संचालित कर सकता है। अब हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं, साइकिल चलाना। जब आप छोटे रहे होंगे, 10 साल के रहे होंगे, तो आपके हमेशा मन में रहता है कि हम साइकिल चलाना पहले सीखें। तो जब आप साइकिल चलाते हैं तो आप सोच के बताइए, ऐच्छिक है कि अनैच्छिक है? तो चलिए अब हम इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम आप सोच के बताइए, या आप उन दिनों को याद करिए कि जब आप साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चलाने में आपको समझ में नहीं आता है कि ब्रेक कहाँ है, पैडल कहाँ चलाना है, सामने देखना है, दाएं देखना है, बाएं देखना है। तो आप ये सारी चीज़ें सीखते होते हैं। अभी मैंने साइकिल की बात की, चाहे हम बड़ी गाड़ियाँ भी सीखते हैं या कार सीखते हैं, तो सब चीज़ों में हमारा ध्यान जाता है। लेकिन जब हम एक बार सीख लेते हैं, तो जैसे हमने साइकिल सीख ली, तो उसके बाद जैसे ही आप साइकिल में बैठते हैं, अपने आप ऑटोमेटिक पैडल चलने लगता है, अपने आप ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ते रहते हैं और आपको पता ही नहीं चलता है कि आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। तो पहले जब आप सीख रहे थे तब वो ऐच्छिक क्रिया थी, लेकिन जब आप सीख लिया तो वो अनैच्छिक क्रिया में बदल जाता है, यानी उसका नियंत्रण फिर वो स्पाइनल कॉर्ड पे हो जाता है। अब आप सोच के देखिए कि आप साइकिल चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से आपके सामने कोई जानवर आ जाता है, कोई दूसरी गाड़ी आ जाती है, तो आप क्या करते हैं? हमने अभी बोला कि अनैच्छिक क्रिया हो गई, यानी इसका संचालन कौन कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है। लेकिन अचानक से आपके सामने कोई चीज आ जाती है तो आप तुरंत ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक जब लगा तो ये इसका सेंसेशन कैसे आया? तो ये जो है, अभी हमने बात की ना कि ब्रेन अपने कंट्रोल में ले लेता है, कि देखता है कि नीचे वाला भाग अच्छे से नहीं चल रहा है तो ब्रेन अपने कंट्रोल में लेता है। तो ब्रेन को यानी मस्तिष्क को लग रहा है कि ये चीज़ गलत हो रही है, तो वो क्या करता है, सीधे आपको आदेश देता है, आपकी मसल्स को आदेश देता है कि अब ब्रेक लगाना है। आप ब्रेक लगा लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि होल सोल कंट्रोल की जो हम बात कर रहे हैं वो ब्रेन ही होता है। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा ब्रेन का यदि राइट एंड लेफ्ट हिस्सा को देखें, तो आपके शरीर के भी राइट एंड लेफ्ट हिस्से हैं, भाग हैं। तो आपका जो राइट वाला ब्रेन का जो हिस्सा है वो शरीर के लेफ्ट वाले हिस्से के कार्यों का नियंत्रण करता है, और लेफ्ट वाला जो ब्रेन है वो राइट वाले हिस्से को कंट्रोल करता है। मतलब लेफ्ट वाला राइट वाले हिस्से के शरीर हिस्सा जो शरीर का हिस्सा है उसको करेगा, और लेफ्ट वाला ब्रेन जो है वो राइट वाले हिस्से को कंट्रोल करेगा। तो इससे संबंधित एक क्रियाकलाप करते हैं। बच्चों, हमारे मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, दाया भाग और बाया भाग। और मस्तिष्क के दाए भाग से शरीर के बाएं अंगों के कार्यों का नियंत्रण होता है, और ठीक इसी प्रकार से मस्तिष्क के बाएं भाग से शरीर के दाहिने अंगों के कार्यों का नियंत्रण होता है। लेकिन अगर शरीर के दोनों अंग एक साथ कार्य कर रहे हो तो इसकी सूचना मस्तिष्क को मिलती है, और मस्तिष्क के दोनों भाग
इसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और जो प्रतिक्रिया हमें मिलती है वो मिले जुले रूप में मिलती है। चलिए इसे करके देखते हैं। सबसे पहले आप अपनी हथेलियों को निकालिए और तर्जनी उंगली को आगे की तरफ रखिए और इसे घड़ी की दिशा में घुमाइए। अब ठीक इसके विपरीत दिशा में घुमाइए। अब हथेली की एक अंगुली को घड़ी की दिशा में और एक अंगुली को विपरीत दिशा में घुमाइए। अब आप देख सकते हैं कि ये करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जब हम इसे एक ही दिशा में घुमाते हैं तो ये करना ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन एक को घड़ी की दिशा में और एक को विपरीत दिशा में घुमाते हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शरीर के दोनों अंगों से सूचना मस्तिष्क को मिली और इसकी जो प्रतिक्रिया है ये भ्रमित रूप में व्यक्त हुई, जिसके कारण ऐसा हुआ। अब आपने ये क्रियाकलाप की, इसके बाद एक और क्रियाकलाप है, उस क्रियाकलाप को भी करते हैं। बच्चों, वैसे तो हमारा ब्रेन बहुत शार्प है, लेकिन कभी कभी ये भी कंफ्यूज हो जाता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज सुबह सुबह मुझे किसी ने आवाज दी थी, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आवाज मेरे आगे से आ रही थी या पीछे से आ रही थी। ऐसा आप लोग के भी साथ होता होगा क्या? ये चीज और किसी के साथ होती है? चलिए बच्चों, एक खेल खेलते हैं और देखते हैं। चलिए बच्चों, आज हम एक खेल खेलते हैं। इसके लिए आपको इस प्रकार से ही बैठना है जैसे अभी आप लोग बैठे, ठीक है? जैसे कि हम देख सकते हैं कि तारामती है जिसको मैंने बीच में बैठाया है। तारामती की आंख में हम एक पट्टी बांधेंगे और हमको पट्टी इस प्रकार से बांधनी है कि इसकी नाक बंद ना हो जाए, ठीक है? क्योंकि आप इस खेल को कभी भी खेल सकते हैं, इसलिए इसकी सावधानी हमको रखनी है, ठीक है? तारामती के आगे तरफ कौन बैठा है? विनीता। तारामती के पीछे बेलेश्वरी बैठी है। इसी प्रकार से तारामती के दाएं तरफ आचल बैठी है और तारामती के बाएं तरफ ज्योति बैठी है, ठीक है? तो आपको इसलिए बैठाया है ऐसे क्योंकि आपको मैं इशारा करूंगी और जब मैं आपको इशारा करूंगी तो आपको ताली बजानी है। अगर मैं आचल को इशारा करूंगी तो आचल ताली बजाएगी और जब आचल ताली बजाएगी तब तारामती हाथ के द्वारा उस दिशा को दर्शाएगी जहां से उसे आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है? तो आपको जब मैं इशारा करूंगी तो आपको ध्यान रखना है और आपको फिर ताली बजानी है, ठीक है? तो गेम शुरू करें। तो सबसे पहले हम तारामती आग पर पट्टी बांधते हैं। तो इस प्रकार हमने तारामती की आंखें बंद कर दी है, ठीक है? अब तारामती तुम्हें आवाज सुनना है ध्यान से और हाथ के द्वारा बताना है कि आवाज कहां से आ रही है, ठीक है? रेडी। तो आप इस खेल को
किसी और के साथ भी कर सकते हैं। जैसे अभी तारा मित्री बैठी है, यहाँ पर हम आंचों को बैठा सकते हैं, इसके द्वारा भी हम करके देख सकते हैं कि क्या ऐसा ही होता है। तो करके देखें। चलिए बच्चों, इस खेल को हम फिर से खेलते हैं, लेकिन अब यहाँ पर तारा मित्री नहीं बैठी है, यहाँ पर कौन बैठा है? अभी आंचल। ठीक है, चलिए आंचल के हाथ में पट्टी बांध देते हैं। आंचल, आपको गेम के सारे रूल्स पता है ना? ठीक है, तब मैं आपको इशारा करूंगी और आपको ताली मेरे इशारे को अकॉर्डिंग ही बजानी है। ठीक है, रेडी आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे तारामती के साथ हुआ, क्या वैसे आंचल के साथ हुआ? हुआ या नहीं हुआ? हुआ हुआ। आंचल भी क्या हो गई? कंफ्यूज हो गई है ना। कहाँ पर कंफ्यूज हुई? जब ताली की आवाज आगे और पीछे से आई, तो दाएं कान से उसको आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दी, बाएं कान से भी सुनाई दी, लेकिन जब आवाज आगे और पीछे से आई तो वो स्पष्ट रूप से सुनाई उसको नहीं दी। तो खेल खेलने में मजा आया बच्चों? अभी जो आपने खेल देखा, इसमें हमने देखा कि प्रतिक्रिया हमें मिली जुले रूप में दिखी। आपने एक चीज नोटिस की, कभी ये प्रतिक्रिया दाई ओर और बाई ओर से सही दर्शाई गई, लेकिन जब प्रतिक्रिया आगे और पीछे से दर्शाई गई तो कभी सही थी और कभी गलत। ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे दोनों कानों के बीच में अंतर है, तो दाई ओर से आने वाली ध्वनि की सूचनाओं का दोनों कानों तक पहुंचने के समय में अंतर आ जाता है, जिससे हमारा मस्तिष्क भेद कर पाता है। लेकिन जब ध्वनि आगे या पीछे से आती है तो ध्वनि की सूचनाओं का दोनों कानों तक पहुंचने के समय में अंतर न होने के कारण ये मिली जुली प्रतिक्रिया दिखाता है, या हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क भ्रमित रूप में प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और हमेशा एक जैसी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है, जैसे कि हमने पिछले क्रियाकलाप में देखा है।